This is Vijay Titwal. Today in this lesson we will discuss about computer's property, means operating system ki property ke bare mein hum janenge kaise karte hain. Dekhiye window 10 aur window jo uske upper versions hai, okay, aur jo bhi jitne bhi Microsoft ne apni windows operating system launch kiye hain jaise XP 7 8.1 10, ओके, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए एक कॉमन बे है. आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, देन राइट क्लिक प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज प्रॉपर्टी. यहां मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा कि कैसे ये एक्सप्लेन है. जैसे विंडो एडिशन आप देख रहे हैं विंडो 10 है, देन होम सिंगल लैंग्वेज है, मींस ये विंडो 10 का फर्स्ट वर्जन है जो बेसिकली होम यूजर्स के लिए अप्लाई एप्लीकेबल है. मींस जब आप लैपटॉप परचेस करते हैं या एचपी से रिलेटेड कोई भी डेस्कटॉप परचेस करते हैं तो होम यूजर के लिए उसमें होम सिंगल लैंग्वेज इंस्टॉल होता है. और इसमें जो मेरा वर्जन है वो 2019 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व है. अब जो रिलेटेड विंडोज 10 के अब वर्जन सारे हैं वो विंडो 2019 अपडेटेड आ रहा है. एक मैं यहाँ पे नोट देना चाहूँगा, जब आप लैपटॉप परचेज करने जाएं और प्रॉपर्टीज चेक करें तो ये जरूर देख लीजिएगा यहाँ पे 2019 होना जरूरी है. अगर यहाँ पे 2018 प्रिंटेड है तो आपको इमीडिएट परचेस करके आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट अपडेट ले सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज 10 अपडेट असिस्टेंट को डाउनलोड किया और देन मेरा जो विंडो 2018 यहाँ पे शो था देन वो विंडो 2019 में चेंज हो गया है. ओके, तो ये अपडेटेड है. अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स जो विंडो एचपी प्रोवाइड करता है अपने ड्राइवर से रिलेटेड वो आप सपोर्ट नहीं होंगे. इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप 2019 अपडेट कर लें. आइए आगे बढ़ते हैं सिस्टम के तरफ. सिस्टम के में देखिए यहाँ पे प्रोसेसर बताया गया है. मेरा इंटेल आर कोर यानी इंटेल का i3 i5 है और 8 जनरेशन है. ये का i5 के बाद जो भी फर्स्ट काउंटिंग होगी उसका फर्स्ट वो करेक्टर हमें उसका जनरेशन बताता है. ओके, ये 8 जनरेशन है और 1.60 गीगाहर्ट्ज इसका ऑपरेट बूट फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी 8 GB इंस्टॉल्ड है इसमें. बाय डिफॉल्ट इसमें 8 GB मैंने परचेज किया था, अप टू मैं 16 GB तक इसे अपग्रेड कर सकता हूँ. सिस्टम टाइप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बेस्ड प्रोसेसर है. इट इज़ वेरी लेटेस्ट अपग्रेड टेक्नोलॉजी, जर्नली 64-bit में कमिंग अप है. पैन और टच यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर द डिस्प्ले. मीन्स मैं टच इनपुट यानी टच के थ्रू जो मेरा कीपैड है टच पैड है उसके थ्रू मैं मूव कर सकता हूँ. मेरा कंप्यूटर नेम लाइनेक्स है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे और कंप्यूटर का नेम देन मेरा यूजर नेम है वो भी लाइनेक्स है. होम वर्क ग्रुप में है. जब भी आप लैपटॉप परचेज करते हैं होम यूजर्स के लिए आपको जो आपका वर्क ग्रुप प्रोवाइड होता है वो वर्क ग्रुप होता है. मींस डिफरेंस दो टू टाइप के डिफरेंस होते हैं, डोमेन और वर्क ग्रुप. वर्क ग्रुप होम यूजर्स के लिए होते हैं जो इंडिविजुअल अथॉरिटी उस यू होम यूजर के पास होती है. डोमेन में मतलब होता है जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं और उस कंपनी में जो मेन सर्वर होता है वो सर्वर उस ऑपरेटिंग सिस्टम उस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होता है तो वो डोमेन इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. और विंडो एक्टिवेशन मुझे देखो यहाँ पे दिखाया गया विंडो इज एक्टिवेटेड. ठीक है, और ये प्रोडक्ट आईडी है. ये हमारा फुल डिस्क्रिप्शन था अबाउट कंप्यूटर प्रॉपर्टीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.